आप सोच सकते हैं कि चावल ठंडे पानी में आधे घंटे रख दिए जाएं और वे पक जाएं और उसका भात बन जाएं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के वर्धमान, नदिया सहित कई जिलों में इस चावल की खेती हो रही है और इस चावल के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें पौष्टिक तत्व भरपूर रहते हैं, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी महंगी है। यह 60 से 80 रुपए किलो में मिलता है और यह जैविक खाद से तैयार होता है। यही वजह है कि इसे ठंडे पानी में रखने के बाद आधे घंटे में चावल पककर भात बन जाता है। कहा जाता है कि इस चावल का प्रयोग सैकड़ों वर्ष पहले सैनिकों द्वारा किया जाता था, क्योंकि युद्ध के दौरान सैनिक खाना पकाने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे और वे कहीं से भी प्याज, मिर्च और नमक की व्यवस्था करके भात का सेवन कर लेते थे। कुल मिलाकर किसानों के लिए भी यह भात यानी यह नया चावल बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है और अब कोशिश ये की जा रही है कि इस धान को कहीं न कहीं और भी अधिक राज्यों में फैलाया जाए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।